इलेक्शन से पहले ही इसने बहुत कुछ काम कर दिया, जैसे नाली। बहुत बढ़िया लड़का है और उसको भगवान इसको जो है ना कामयाब बनाए। ऐसा नहीं है कि जो है अभी ये 10-15 दिन से ही प्रधानी के चुनाव में आ गए, ऐसा हमने देखा है इन्हें काम करते हुए समाज में, कि समाज में कि समाज की जो छोटी छोटी समझ अभी तक तो बहुत अच्छा है। इलेक्शन का जोर बहुत अच्छा है, कार का ही पूरा जोर है। और दोस्तों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा, आज हम आए हैं बंगेड़ी महावतपुर में। यहाँ पर जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ एक जनसभा का आयोजन किया गया है। यहाँ के जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं नरेंद्र कुमार जी द्वारा, और आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से एक विशाल जनसमूह साथ में है इस जनसभा में, और अपने पक्ष की कुछ बातें रखी हैं आज नरेंद्र कुमार जी ने इस सभा में। आइए जानकारी ले लेते हैं भाई, आज ये सभा बुलाई गई है, ये सभा किस उपलक्ष्य में बुलाई गई है और क्या बातचीत और क्या संवाद किया है भंगेड़ी महावतपुर की जनता के साथ नरेंद्र जी ने। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे, किस विषय को लेकर रखी गई थी आज जनसभा? देखिए, आज ये हनुमान कॉलोनी वासियों ने ये मीटिंग कराई है जी। और मैं पूर्ण तरीके से कहना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि मुझे कॉलोनी वासियों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है और इस बार हम जीत के आएंगे। और जितने भी हमारे मुद्दे हैं, मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था, जितने भी हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को हल करने का काम करेंगे। आज जो बातचीत हुई है आपकी लोगों के साथ, जो आज ये सभा हुई है, उसमें प्रमुख मुद्दे क्या रखे आपने इन लोगों के सामने और लोगों का क्या कहना है आपके ऊपर? देखिए, हमारे जो मेन मुद्दे हैं, हमारे सबसे मेन मुद्दे हैं हमारी रोड के, हमारे रास्तों के। सबसे पहले अगर हम जीत कर आएंगे तो सबसे पहले हम रास्तों के खुलवाने का काम करेंगे, और जितने भी हमारे टूटी फूटी सड़कें हैं उनको काम कराने का, सभी रास्तों को रिपेयर कराने का काम करेंगे, नई तरीके से सड़कें बनवाने का काम करेंगे। अभी बातचीत हुई तो क्या जो जनता बैठी थी संतुष्ट नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपका समर्थन दे दिया, समर्थन दिया आप, क्या कहना चाहेंगे, कैसा देख रहे हैं इलेक्शन? अभी तक तो बहुत अच्छा है, इलेक्शन का जोर बहुत अच्छा है, कार का ही पूरा जोर है, मतलब कार के लिए ही जो है इस समय। बिल्कुल, कार का ही। इलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है हमारे गांव का, और कोई किसी किस्म की किसी आदमी कोई दिक्कत नहीं हो रही, आने जाने में किसी के साथ कोई झगड़ा पसाद नहीं, बड़े प्यार से पूरे गांव का इलेक्शन हो रहा है। और हमारी जो समस्या है, प्रधान जी ने जो हमारे पद के लिए खड़े हैं उन्होंने रास्तों के लिए और गाँव की जो समस्या उनके लिए रखा प्रोग्राम, और उनको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर इलेक्शन वो जीत जाते हैं तो भगवान की दुआ से वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उनका चुनाव चिन्ह है कार, कार पर अगर मोहर लगेगी तो हमारा प्रत्याशी जीत जाएगा। और देखिए, कहना यह है कि कार का चुनाव चिन्ह है, अगर कार पर मोहर लगाकर जिताते हैं तो आपके क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र कुमार जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या किस प्रकार से देख रहे हैं नरेंद्र जी को, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बात रखी लोगों के सामने, क्या समझ में आता है? सर सही है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमारा गांव समाज सब कुछ बढ़िया है, दिक्कत सिर्फ हम रोड की है, रास्तों की है, हमारा गांव समाज बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। नरेंद्र जी के पक्ष में जा रहा है जी सर, जी सर, जाना भी है, जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए जी। ये जो हनुमान कॉलोनी के जो वासी हैं, इनको बड़ी तमन्ना थी नरेंद्र बाबू से मिलने की, तो नरेंद्र बाबू को स्पेशल इन्होंने बुलवाया और महान सभा की नरेंद्र के स्वागत के लिए, और नरेंद्र से जो कुछ भी इन्होंने सवाल किए, नरेंद्र ने इनके साथ वादा कर लिया कि मैं आपकी कोई भी समस्या होगी आपके घर में आके, आपके मोहल्ले में बैठ के, आपके साथ चल के, तन मन धन से आपका सहयोग दूंगा जी। तो देखिए, कहना ये है कि भाई जो मुद्दे रखे हैं जनता की समझ में भी आए हैं, और सभा भी जनता के द्वारा बुलाई गई है तो समर्थन भी मिल रहा है। आइए कुछ लोग बैठे हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं, भाई क्या कहना चाहेंगे आज की सभा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे भैया नरेंद्र जी के लिए जिस प्रकार से आज सभा? हाँ जी, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और कर भी रहे हैं जी, और प्रचार भी कर रहे हैं, हम बिल्कुल नरेंद्र भाई के साथ हैं, साथ हैं जी। जो बातें इन्होंने रखी आप लोगों के सामने, तो क्या संतुष्ट नजर आते हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल, हम नरेंद्र भाई को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और मतलब इन्होंने इससे पहले भी, अभी तो ये प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं, इससे पहले भी जो है ना गाँव में एक फ्री कोचिंग सेंटर को चलाने में इनका योगदान रहा है, उसमें ये काम करते रहे हैं, और हमने देखा है इन्हें काम करते हुए समाज में, कि समाज में कि समाज की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन उस समय हमारे पास पावर नहीं थी, और हम इसलिए जो गांव के लोगों के पास जन जन घूमकर ये कोशिश कर रहे हैं
कि जो है ना कि जनता हमारे साथ जुड़े और जो नरेंद्र भाई को प्रधान पद के लिए चुने और आगे जैसे ही नरेंद्र भाई सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, तो और भी अच्छा काम करेंगे। कहने का मतलब समाज सेवी हैं भाई पहले से। बिल्कुल जी, ये कहने का मतलब ये है कि भाई पहले से समाज सेवी है, समाज सेवा करते रहे हैं गाँव के लिए, कोचिंग सेंटर भी जो है खुलवाए हैं बच्चों के भविष्य को देखते हुए, तो समर्थन दे रहे हैं भाई कि एक अच्छा आदमी चुन के आएगा तो भविष्य अच्छा रहेगा गांव का। जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना, ऐसा नहीं है कि जो है अभी ये 10-15 दिन से ही प्रधानी के चुनाव में आ गए, ऐसा नहीं है। ये भाई तो पिछले 5 साल से 10 साल से लगा हुआ है, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। वैसे भी कोई भी दिक्कत हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, हम इसी के पास जाते हैं कि भाई ऐसा है कि थोड़ी सी जो है ये दिक्कत आ गई, इसमें साथ चल। आधी रात को भी फ़ोन कर लो तो ये बंदा जो है रात को भी हमारे साथ चलता है। तो कहने का मतलब सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। तत्पर है और जो है समाज का पूरा समर्थन नरेंद्र भाई को है और नरेंद्र भाई की जीत जरूर होगा। देखिए यही एक खूबी होनी चाहिए प्रत्याशी में, जो बताया इन्होंने भाई साहब ने कि अगर समस्या है तो तुरंत खड़ा हो जाए, और कहना यह कि भाई 24 घंटे खड़े रहते हैं, चाहे आधी रात को भी बुला लिया जाए, तो प्रत्याशी को एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं नरेंद्र कुमार जी को। क्या कहना चाहेंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ, आशीर्वाद दे रखा है सर, वो बहुत बढ़िया लड़का है और उसको भगवान इसको जो है ना कामयाब बनाए और हमारा साथ रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे। मतलब इस बार कामयाब हो जाएंगे? हाँ जी करेंगे जी। आइए और बात कर लेते हैं। भी जीतेंगे जी। जीतेंगे नरेंद्र भाई, किसी टाइम कोई आवाज़ लगा दो जी। कोई भी राज्य का हो, किसी भी आदि का हो, कोई उसको साथ समस्या आती हो, 24 घंटे भाई के साथ खड़ा है वो। तो मतलब आप लोगों का बहुत अच्छा लड़का है जी। ये सभी मिलजुल के बिरादरी के साथ चल रहा है जी। और मैं कहता हूँ इससे पढ़ा लिखा बच्चा भी हमारे इसमें कामयाब होने जा रहा है, जनता के सहयोग से, गाँव के सहयोग से। और इसने इलेक्शनों से पहले ही इसने बहुत कुछ काम कर दिया, जैसे नाली कहीं टूटी हुई थी, सड़कें कहीं टूटी थी और पाइप डलवा नाली के ऊपर, बहुत अच्छा काम किया इसने। और पढ़ाई लिखाई में जैसे बच्चे कमज़ोर घर से हैं उनके लिए इसने बहुत अच्छा काम किया, उनको सहयोग दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अच्छा है नरेंद्र, अच्छे बारी मत से जीत, मतलब है कि अच्छा रहेगा अगर जीत जाए। देखिए भाई पहले से ही फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि पहले से ही जो समस्याएं उनको देखते आ रहे हैं, निजात दिला रहे हैं। अगर पढ़ा लिखा प्रत्याशी भी है, जीत जाएगा तो काम जरूर आएगा गांव जी। नरेंद्र जी, जो जनता देख रही है उससे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, सबके पहले मेरा नमस्कार। मैं समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चुनाव चिन्ह कारकुन भारी मतों से विजय बनाने का काम करें और आने वाले 5 साल में अपने गांव को राष्ट्रपति पद से सम्मानित कराने का काम हम करेंगे। और आने वाले 5 साल जो होंगे वो जो कार्य आज अभी तक इस गांव में नहीं हुए वो कार्य हम कराने का काम करेंगे।